गर्मियों के मौसम में रबड़ी वाली कुल्फी का स्वाद ही कुछ और है। तपती धूप में बर्फ में जमी ठंडी ठंडी आइसक्रीम कमाल लगती है। आजकल तो वैसे भी बाजार में मलाई, केसर, चॉकलेट आदि फ्लेवर्स वाली कुल्फी उपलब्ध हैं, जो मन चाहे खा लो। आजकल के जमाने में सब कुछ कितना सुविधाजनक है। स्विच ऑन किया, पंखा चल गया, रिमोट चलाया, टीवी चल गया और बर्फ की ट्रे अंदर रखी बर्फ जम गई। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आज तो सब ठीक है, लेकिन उस जमाने में जब ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तब लोग कुल्फी का लुफ्त कैसे उठाते होंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं, वहाँ कुल्फी या आइसक्रीम का नाम भी नहीं जानते थे लोग। देखिए, अब हम जनता को नहीं, लेकिन दीन ए इलाही बादशाह जलाउद्दीन अकबर को इसके स्वाद से कैसे वंचित रखा जा सकता था। जी हाँ, सही सोच रहे हैं, बिना फ्रिज के भी बादशाह अकबर कुल्फी का मजा उठाते थे, और वो भी बाकायदा बर्फ में जमी हुई कुल्फी। ये कैसे मुमकिन है? फ्रिज के बिना बर्फ नहीं जम सकती, और बिना बर्फ के कुल्फी कैसे बनाई जा सकती है? मुमकिन है और भी एक मजेदार तरीके, जो स्वयं अकबर के ही दिमाग में आया था। आज हम आपको कुल्फी के आविष्कार और उसके उद्भव से जुड़ी बहुत मजेदार कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो आपकी जनरल नॉलेज को और भी काफी बढ़ा देगी। बादशाह अकबर और कुल्फी के बीच का मजबूत रिश्ता आपको तभी समझ आएगा जब आप ये जानेंगे कि कुल्फी एक फारसी शब्द है, जिसका अर्थ है कौन के आकार का कप। कुल्फी का आकार भी तो कुछ ऐसा ही होता है। दरअसल बादशाह अकबर के महल में अबुल फजल नाम का एक लेखक भी था, जिसने बादशाह की जीवनी में उनकी कुल्फी के प्रति प्रेम को उकेरा है। कुल्फी बनाने की विधि को आज से 500 वर्ष पूर्व लिखी गई आईना ए अकबरी में ही लिख दिया गया था। खुद सोचिए, आज से 500 वर्ष पहले तो फ्रिज जैसी चीज की कल्पना भी की जानी मुश्किल थी, तो फिर कैसे कुल्फी को जमाया गया होगा? अकबर के काल में काफी मशक्कत के साथ सीधे हिमालय से बर्फ मंगवाई जाती थी। इसके लिए हाथी, घोड़ों और सिपाहियों की सहायता ली जाती थी। आगरा से हिमालय पर्वत करीब 500 मील दूर है, मतलब इतनी दूरी तक कैर के बर्फ बादशाह के महल तक पहुंचती थी। आज के समय में रिले रेस होती हैं, आप सभी इसकी अवधारणा से रूबरू भी होंगे। कुछ ऐसा ही उस समय भी होता था जब 18 मील के अंतराल में हाथी, घोड़े और सिपाहियों की टुकड़ी को बदल लिया जाता था। बुरादे और जूट के कपड़ों में लपेटकर बर्फ को हिमालय से आगरा तक पहुंचाया जाता था। दूरी बहुत होने के कारण बर्फ की बहुत बड़ी सिल्ली आगरा पहुंचते पहुंचते छोटी सी रह जाती थी। कुल मिलाकर 30-35 दस्तों की सहायता से बर्फ आगरा पहुंचती थी और यहां लाकर उसे एक संरक्षित कमरे में रख दिया जाता था, ताकि वह पिघल ना सके। और एक मजे की बात, आपको लगता होगा कि केमिकल की सहायता लेना आज की तकनीक है, लेकिन आपको बता दें, अकबर के काल में कभी कभी साल्टपीटर नामक केमिकल का प्रयोग किया जाता था, जिसे पानी में मिलाकर पानी को जमाया जाता था। सबसे पहले तो बर्फ का उपयोग शरबत को ठंडा करने के लिए किया जाने लगा था, लेकिन जैसे जैसे बर्फ का सिलसिला शुरू हुआ, इसे बादशाह और उनकी बेगमों के लिए कुल्फी जमाने के लिए प्रयोग किया जाने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुल्फी का नाम दुनिया की बेहतरीन खाद्य पदार्थों में शामिल हो गई और हमें मिल गया एक टेस्टी डिजर्ट। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।